दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। सेवा शिक्षा चयन आयोग अब इसमें परमानेंट अध्यक्ष आ चुके हैं, तो अब ये शिक्षक भर्ती पे बात चलेगी, यूपी टेट पे बात चलेगी, तो ये सारी प्रक्रियाएं आप सुचारू रूप से चलेगी। जैसे एक वो दिया गया है ब्यौरा कि कितने पदों पर कब भर्ती आनी है, कैसे कैसे भर्ती आनी है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये पीआरटी में 45,000 शिक्षक भर्ती बताई, पहले 80,000 बताई जा रही थी, अब 45,000 के डेटा आया कि 45,000 शिक्षक भर्ती आएगी। और ये शिक्षक जो भर्ती आएगी वो एक बड़े पैमाने पे शिक्षक भर्ती होगी। 45,000 बहुत बड़ी भर्ती होती है, ये मान लो छोटी भर्ती नहीं है, 45,000 बहुत बड़ी भर्ती है और कई सालों बाद आएगी। तो अब सबसे पहले हम ये समझेंगे जो शिक्षक भर्ती आएगी इसमें पहले टेट होगा या डायरेक्ट सुपर टेट हो जाएगा। तो एक चीज़ अपने दिमाग में पहले ही डाल लो दोस्तों, और ये मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ, सबसे पहले होगा यूपी टेट, और यूपी टेट की परीक्षा आपको देनी होगी। आप कहोगे कि यूपी टेट को सबको देनी होगी, जिसके अच्छे मार्क्स हैं बिल्कुल ना दे, मैं कब कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप पेपर देना चाहते हैं पीआरटी में सुपर टेट का, तो जो भी टेट आए ज़रूर देना, क्योंकि होता क्या है मैं बता देता हूँ। परेशानी जो होती है या जिस प्रकार का पैटर्न नया, मतलब जो अब कराएगा सेवा शिक्षा चयन आयोग, क्या पैटर्न देता है, किस प्रकार से देता है, यूपी टेट वाला सेम सिलेबस, उसमें सुपर टेट में है, तो आप जरूर से ज़रूर यूपी टेट देना, चाहे आपके कितने भी अच्छे नंबर बने रहें। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आपका जो फियर है, जो आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा, हेजिटेशन खत्म हो जाएगी और आप एक रिदम में आ जाएंगे। तो सबसे पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी, उसके बाद होगी सुपर टेट की परीक्षा। सुपर टेट में इस बार 45,000 पद बताए जा रहे हैं। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ से क्लियर करूँ थोड़ी सी, क्या बीएड शामिल होगा? अभी तक बिल्कुल सीधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे सांसदों के द्वारा इस मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है कि बीएड को जब से मतलब जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है द्वार, मतलब जितने भी तक बंद कराया है, मैंने आयोग सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको बंद करिए, तब तक 2018 से तब तक मतलब 5 साल तक बीएड को कंसीडर करिए। बहुत सारे मतलब सांसद हैं, उन्होंने इस बात को उठाया है, मुद्दा उठाया है संसद में भी। तो ये हो सकता है कि कुछ हो जाए, चुनाव का समय है, बहुत बारी चीज़ होती हैं और चुनाव के समय 2018 में आपको मालूम होगा, तो हो सकता है, लेकिन वो अलग सेकेंडरी बात है, बीएड शामिल हो सकता है। लेकिन अभी तक ये बीएड डीएलएड और तुम्हारा बीटीसी के लिए ही है, और इसमें जो भर्ती दिखाई गई है वो उसे दिखा देता हूँ आप मैं एक बार। दोस्तों फोटो मिल नहीं रही, लेकिन अब देखा आपने देख लिया होगा 45,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, और उस 45,000 में सबसे पहले होगा आपका यूपी टेट, यूपी टेट के बाद आएगा सुपर टेट। तो हम ये सोच रहे हैं कि आप कब तक उम्मीद लगाएं। उम्मीद दोस्तों 2025 में इसका नोटिफिकेशन आएगा सुपर टेट का, 2025 से पहले नहीं आएगा। आप सोचो कि इसी 24 में आ जाएगा, नहीं आएगा। वो इस भर्ती को जो नियुक्ति पत्र मिलेंगे आपको, जॉइनिंग लेटर मिलेंगे, वो मिलेंगे 2027 में, इसलिए इतनी बड़ी भर्ती दी जा रही है, अन्यथा की स्थिति में भर्ती नहीं दी जाती किसी कीमत पर। ये 2027 में इसके नियुक्ति पत्र मिलेंगे, 2024 में आपका यूपी टेट होगा, 2025 में आपका सुपर टेट होगा, उसके बाद ये प्रक्रिया बना के रखेंगे और जाके कहीं आपको 2027 में इसके नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र मिलेंगे। और दोस्तों अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अब सेवा शिक्षा चयन आयोग पूरी तरह से गठित हो चुका है, सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, तो आप अभी से पढ़ना अगर स्टार्ट करेंगे तभी एक वैकेंसी ले पाएंगे। कंपटीशन अच्छा खासा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भर्ती जब ज़्यादा होती है तब भी ये मत समझ लेना कि हमको जॉब मिल जाएगी, भर्ती ज़्यादा होती है तब भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक चीज़ समझो, आपके अच्छे नंबर होंगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगा, अच्छे नंबर नहीं होते फिर इधर उधर फेंकते हैं ये लोग, इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। शुरुआत करिए, 1-2 घंटे पढ़िए, रिदम बनता चला जाएगा अपने आप, और रिदम बनेगा तो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों यूपी टेट की आप तैयारी करना शुरू करिए, और उसके बाद जब सुपर टेट आए सुपर टेट की करना, क्योंकि यूपी टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूपी टेट इंपॉर्टेंट किस लिए है, जो मैंने बता दिया, यूपी टेट इंपॉर्टेंट इसलिए ही है कि आपको यूपी टेट पहले होगा और नए पैटर्न के साथ में होगा, और जो सेवा शिक्षा चयन आयोग बनाए वही कराएगा, इसलिए आपको तैयारी बहुत बरकरार और अच्छे तरह से करनी है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और पढ़ने साथियों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो ज़रूर, फिर अगर हमारे जैसे यूपी टेट आता है उसकी क्लासेस हम स्टार्ट कराएंगे इस पर, यूपी टेट आएगा तब, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैसे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस दी जाएंगी और अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।